भैया जी इधर पैसा मतलब अपना गिन रहे हम लोगों को देने के लिए। और देखिए दोस्तों कितने सारे, दोस्तों ये रहे हमारे YouTube के सेकंड पेमेंट जिसे रिया जी के हाथों में। देखिए दोस्तों कितने सारे पैसे हैं, गिनिए गिनिए कितने सारे पैसे है रिया जी। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज हमारी जिंदगी में एक छोटी मोटी खुशी आई है, और वो खुशी क्या है दोस्तों, आप में से तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल को देख करके कि हमारी जो YouTube की सेकंड पेमेंट है YouTube की वो आ गई है दोस्तों। और दोस्तों कितनी पेमेंट आई है YouTube की और क्या प्रोसेस है इस पेमेंट को आने को लेकर के, आप सभी लोगों को इस ब्लॉग्स के माध्यम से देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आप में से अगर बहुत सारे लोग अगर वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा जानकारी भी मिलेंगे, और थोड़ा सा आप सभी लोगों को हो सके तो हमारी वीडियो से मोटिवेट भी मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए लास्ट तक, मिठू बहुत प्यार करता है। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा हम लोग दुख भी हैं एक बात को लेकर के, और दुखी किस लिए है दोस्तों आप सभी लोगों को ब्लॉग्स के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे, आप लोग लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों आप वैसे कमेंट करते हैं अभी भी कि ये कौन है, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है, कौन हो बाबू बताओ, हम तुम्हारा कौन है, हम तुम्हारा पापा, और ये कौन है मम्मी बता दी दोस्तों। तो ये मेरी बेटी, हम लोगों की ये बेबी, इसका नाम चांदनी है। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे पास मतलब अभी हम लोग का घर भी नहीं है अपना घर रहने के लिए, तो हम लोग इस घर को बना रहे हैं दोस्तों। और जो दीवार है जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, ये दीवार हम लोग अपने इस दीवार को खड़े किया दोस्तों, अपने हाथों से मेहनत करके बनाए हैं, बहुत हम लोग इस घर के पीछे मेहनत किया दोस्तों। और ये जो हम लोग एल्बेस्टर लिए हैं ये भी हम लोग उधारी पे लिए हैं, उधारी पे, क्योंकि हमारा घर गिरने का चांसेस ज्यादा था, बारिश बहुत हो रहे थे, हमारे दीवार उधर क्रैक हो गए थे, तो उधारी लाए हैं और उनको कहे थे कि दो चार दिन में हम दे देंगे पैसा। तो आप लोगों का सहयोग और प्यार और आशीर्वाद की वजह से दोस्तों आज हमारा YouTube का सेकंड पेमेंट भी आ गया है, और कितना आया हुआ आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे कल की ब्लॉग्स में हम लोग दोनों को मिल करके हम लोग इसको लेसाई कर रहे थे, लेप लगा रहे थे मिट्टी का, इतना सा लेप लगाए हैं। और देखिए अंदर में दिखा रहे हैं आप सभी लोगों को, आ जाइए अंदर में, इतना सा लेप लगाए हाँ दोनों के मिलकर के, इधर भी लेप लगाए इधर भी लगाए, और अभी मिट्टी को पानी हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मिट्टी को इसको फुला देते हैं थोड़ा सा पानी ला करके, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दोस्तों, हम लोग पैसा को निकालने के लिए जाएंगे, जो हम लोग का सेकंड पेमेंट आया हुआ हम लोग निकालने के लिए जाएंगे, और चांदनी को लेके नहीं जाएंगे लेके जाएंगे बेटा तुमको भी, चलो आ जाओ, ये काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। और इधर हमारा गांत को मतलब गांत कुदाली उदाली सब बाहर है, इधर भी हम लोग साफ कर रहे थे मिट्टी को, इधर आंगन को तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग पानी लेकर के आते हैं, दीजिए बाल्टी बताइए बाल्टी, हाँ चलो पानी पहले ला करके हम लोग देते हैं फूलने के लिए मिट्टी को, क्योंकि हमारे आते आते मिट्टी भी फूला हुआ रहेगा। दो बेटा दो बेटा, हम लोग आ गए तालाब में, तुम नहीं सकोगी, तुम नहीं सकोगी बेटा, दो 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 दो, हाँ अरे तुमको टॉफी खरीदेंगे आज, चांदनी को बहुत सारा टॉफी खरीदेंगे। देखे ये है तालाब, ये बहुत ही गड्ढा है, चलिए चलो आ जाओ, आओ बेटा जल्दी आ जाओ, पहले फटाफट काम करो निपटा लेते हैं, फिर हम लोग चल जाएंगे पैसा लेने के लिए, पैसा लाने के लिए जाएंगे है ना, और चांदनी के लिए आज बहुत सारा टॉफी खरीदेंगे है ना बेटा, खाओगे। पानी लेके पहुंच गया दोस्तों, और मिट्टू तो हमेशा लटके हुए रहता है मेरे से, चल लीजिए इसको पानी को थोड़ा थोड़ा झिमका दीजिए हाथों से है ना, इसको थोड़ा सा पानी को हम लोग कर देते हैं दोस्तों। नहीं तुम मत भीगो बेटा, अभी लोग जाएंगे ना बाबू, कपड़े भी नहीं है अभी, क्या पहनोगे, अभी इसमें पानी डाल देंगे, गंदा करके रखी हो, अच्छे से फूल जाए, हाँ इसको हम लोग अच्छे से कर दे रहे मिट्टी को, फिर हम लोग जाएंगे। और हम लोग का हो गया दोस्तों, ऐसा लीजिए अंदर करिए, गैता हुई तो अंदर करिए, नहीं तो फिर कोई आ करके ले जाएगा, फक्का जगह ना दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं, फिर किनको कहेंगे, फिर काम भी नहीं हो पाएगा, अंदर कर देते हैं, अंदर रख देते हैं इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चांदनी बहुत काम करने के लिए ही रहती है, नहीं सकोगी, हाँ ठीक है छोड़ दीजिए उसी को अंदर करने दीजिए, कर बेटा अंदर, चलो चलो कर सामान सब अंदर कर दे, हम लोग अंदर कर दिए। और दोस्तों चले अब हम लोग निकलते हैं पेमेंट को लाने के लिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत ही एक्साइटेड हैं, और एक्साइटेड के अलावा हम लोग को पैसा देने हैं दोस्तों, क्योंकि हम किसी को वचन दिए हुए थे कि मात्र एक सप्ताह के अंदर में हम लोग एल्वेस्टर लाए हुए थे, तो बोले थे कि दे देंगे, तो वो फिर देने हैं दोस्तों, हाँ मान गए, नहीं तो हम लोग का घर भी गिर जाता बारिश के कारण। लीजिए पकड़ साइकिल निकालते हैं, लीजिए, तो दोस्तों पहले हम साइकिल निकाल लेते हैं, साइकिल से ही हम लोग जाएंगे,
और अंदर में रख दिए चांदनी के पापा साइकिल। चांदनी ये रही साइकिल, चलिए यही साइकिल में हम लोग जाएंगे। तो चांदनी को बैठा लीजिए, बैठा ले, यहाँ से तो निकलेंगे तो ना बैठाएंगे। रुको बेटा, यहाँ पार करने दो ना साइकिल। चांदनी अपने बैठे सकती है साइकिल में और बहुत अच्छे से बैठ लेती है। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग रोड पे आ चुके हैं और देखिए रिया जी आगे आगे जा रहे हैं। रुको, तो चांदनी के पापा बैठ रहे हैं। चलिए हम साइकिल बैठ गए और आप बैठिए लीजिए। पहले आप पहले ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ रुको रुको ऐसे करो, अच्छे से कर दीजिए। पहले ऐसे करो, इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो, ऐसे करो, वैसे नहीं करेगा। आगे करो, हो जाना, ये रहा। अभी हम लोग जाने पड़ेंगे दोस्तों, अभी 4 किलोमीटर दूर, अभी साइकिल से ही पैसा निकालने के लिए, क्योंकि दूर में ही कैफे है। चांदनी कैसा लग रहा है बाबू, कैसा लग रहा है? चांदनी को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चढ़ाई आ गया। तो दोस्तों लोग यहाँ पहुँच चुके हैं प्रज्ञा केंद्र, तो साइकिल की जगह खड़ा कर दे रहा पहले, देखिए गिर जाएगा साइकिल, सीधा कर दे रहा, अटका दे रहे। और दोस्तों ये रहा प्रज्ञा केंद्र, से गांव में इसी टाइप के होते हैं, मतलब यहीं से लेन देन होती है। तो यहाँ बहुत सारे देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है प्रज्ञा केंद्र ऊपर में, और सारा यहाँ क्या क्या काम होते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे है, रिचार्ज, बैंकिंग, बहुत तरह से होते हैं काम यहाँ। आ जाओ बेटा, और ये रहे भैया यहाँ, हम लोग यहीं पैसा अभी निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि आज सैटरडे इसलिए आज बैंक बंद है ना, तो हम लोग पैसा यहीं निकासी करेंगे। ये भैया अभी हमें निकाल के देंगे। तो कैसे पैसा निकालता है भैया? पैसा निकलता है APS के थ्रू, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो फिंगरप्रिंट के थ्रू से आधार नंबर डाल के यहाँ से विड्रॉल होता है। देखिए इधर फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी पैसा निकालेंगे। रिया जी का अकाउंट में खाता, तो इनके खाते में पैसा आता है, तो इन्हीं का फिंगरप्रिंट लगेंगे। तो ठीक है भैया, निकाल दीजिए। ठीक है भैया। और भैया अपना प्रोसेस कर रहे हैं, और बताइए आधार नंबर। एक मिनट, तो भैया आधार नंबर पूछ रहे हैं, तो आधार नंबर बता रहे हैं, क्योंकि आधार से ही पैसा निकासी होते हैं। आधार नंबर तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जैसे गांव जो है पूरा जंगल में बसा हुआ, जंगल किनारे में, तो बहुत दूर होता है, और हमारे घर से लगभग कितना किलोमीटर दूर है भैया? बैंक यहाँ से वही 17-18 किलोमीटर अप्रोक्स उतना होगा। हाँ, 17-18 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम लोग को वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन आज सैटरडे है, इसी वजह से हमारे काम अभी यहीं बन जा रहे हैं, यहीं बन जाएंगे, पैसा ही मतलब की फिंगरप्रिंट दीजिए, दीजिए ना। अब रिया जी मतलब फिंगरप्रिंट दे रहे, जलेगा लाइट जलेगा, रुकिएगा तब ना, अब हमारे पैसा भी निकल जाए। और देखे चांदनी कितना देख रही है कंप्यूटर को, देखिए लाइट जल गए, जल गए लाइट, अब पैसे भी निकासी हो जाएंगे हमारे। भैया जी इधर पैसा मतलब अपना गिन रहे हम लोगों को देने के लिए, और देखे दोस्तों कितने सारे पैसे भैया गिन रहे हैं। और आप सभी लोगों को पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि हमारा पेमेंट कितना आया है। हाँ बिल दे दिए, और ये रहा दोस्तों पैसा हम लोगों को मिल चुके हैं, भैया हम लोग को पैसा दिए। और भैया आप लोग भी कुछ बोल दीजिए, मतलब हमारे मतलब परिवार या YouTube परिवार के लिए, कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे इनके वीडियो को देखते हैं, और इनका ऐसे नेचर भी बहुत अच्छा है, सबसे घुल मिल जाते हैं और डाउन टू अर्थ हैं, अच्छा लगता है इनसे मिलके, बीच बीच में आते रहते हैं, यहाँ से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं यहीं से भैया, और दिल के बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, चलिए भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक्स आपको, पैसा भी हमें मिल गया। चलिए दोस्तों आप सभी लोग घर में जाकर के पूरा डिटेल्स में बता दें कि हमारे पैसे कितने आए हैं। ठीक है, हो गया ना। हाँ, तो जा रहे दोस्तों हम लोग घर। तो दोस्तों हम लोग घर निकले, और रिया जी तो बहुत ही हैप्पी है, और बात रही दुख की, बताए थे कि थोड़ा हम लोग दुखी हैं, तो वो घर जाके आप सभी लोगों को बताते हैं कि हम लोग किसके दुखी हैं। तो चांदनी तो साइकिल में बैठने लगी, बैठो बेटा, चलो चलो सीधा कुछ सामान खरीद लेते हैं पहले, खाने पीने का है ना, कुछ खरीद, इसके लिए भी कुछ खरीद देते हैं। और आपको कुछ चाहिए? आप देख लीजिए, इनको कुछ सामान चाहिए, तुमको कुछ चाहिए बेटा, बताओ क्या चाहिए? बिस्कुट। हाँ, इसको बिस्कुट खरीदेंगे, चलिए सामान ले लेते हैं। तो दोस्तों लोग मिठाई का दुकान पहुंच चुके हैं, ये रहा मिठाई का दुकान, और इसमें मिठाई क्या क्या आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा अंदर आके देखते हैं ना, अंदर आ जाओ चांदनी,
क्या मिठाई खरीदोगे बेटा आज बताओ, आज तुम जो बोलोगी तुमको आज वो खिलाएगी। इधर देखो क्या क्या लेगी, क्या लेगी, क्या लेगी, इधर अच्छे से लड्डू और जलेबी, अच्छे से बोलो लड्डू और जलेबी। और वो एस्पॉन्स नहीं है, वो रसगुल्ला क्या कहते हैं। और चांदनी की मम्मी मिठाई को ताक रहे क्या कौन सा मिठाई है, क्योंकि उनको भी मिठाई खाने का मन कर रहा है। लेकिन मिठाई में बहुत ही कम है, लड्डू है, लड्डू है और ये व्हाइट वाला कितना कितना पीस है अब देख लेते हैं। एक ठंडा भी ले लिया मैंगो वाला, गर्मी का दिन है हम लोग पैदल साइकिल, और क्योंकि हम लोग साइकिल से आए तो काफी हमें भी गर्मी लग रही है। हो गया लड्डू 5 पीस दे दीजिए। हाँ पैसा दे दिए और मिठाई में लोग ले लिए। और चले दोस्तों से आप घर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। हो गया ना ठंडा के लिए वो उसका छूट गया था ठंडा। चलो हो गया ना, चलो आ जाओ मिठाई भी ले लिए पूरी तरह से, चलो जल्दी। तो दोस्तों अब हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और चांदनी साइकिल का बहुत आनंद ले रही है। चलिए साइकिल हम पैदल स्पीड मार रहे हैं, चढ़ाई आ गया है, नहीं डर लगेगा बेटा, चांदनी को डर लग रहा है, धीरे तो जा रहे हैं। सामने कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। हाँ धीरे चल रहे बेटा। तो दोस्तों लोग घर पहुंच गए पैसा लेकर के, और ये रहा हमारा घर देखिए इस साइड में। लो इसको इसको पकड़िए, साइकिल उठाना पड़ेगा इधर बांस से लीजिए। तो पार कर लीजिए साइकिल, आ जा बेटा आ जा। तो चांदी के पापा साइकिल घुसा दिए अंदर और चांदनी बहुत खुश है आज। और दोस्तों चांदनी तो मिठाई को लेकर के बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। ये रहा हमारे मिठाई, अभी हम लोग साइकिल से आए दोस्तों और साइकिल चलाते चलाते हमको थक गए। 4 किलोमीटर हम अभी तय किया सफर साइकिल का। देखिए खाने में ज्यादा रहती है। अच्छा दे दो इसको, दे दो बच्चा है ना, दे दो लो। आधा तो खत्म कर दी पी करके दोस्तों, ठंडा था मैंगो वाला। सबसे पहले बैठो, पहले रेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, गर्मी भी लग रहा है। हाँ। और धूप भी बहुत ज्यादा निकल गए हैं। तो दोस्तों हम लोग वीडियो का स्टडी में कहे थे कि हम लोग थोड़ा दुखी हैं, तो हम लोग किस बात को लेकर दुखी है दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि कल के ब्लॉग्स में आप लोग देखे होंगे सुनील भाई का घर पूरी तरह से तबाह हो गए आंधी और तूफान से। तो बहुत मेहनत से वो घर को बनाए थे दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग इस घर को कितना मेहनत से बनाए अभी हम लोग समझ सकते हैं, कितना मेहनत, इतना धूप में, इतना कड़ा धूप में काम किए और वो भी वैसे ही मेहनत करके घर को बनाए थे, तो हमें बहुत अफसोस लगा। और दोस्तों बात रही यूट्यूब की, तो हमें यूट्यूब की प्रेरणा कहाँ से मिली, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अभी रांची में काम कर रहे थे प्राइवेट जॉब, वो मेरी लाइब्रेरी थी, प्राइवेट लाइब्रेरी में हम काम कर रहे थे और मेरी सैलरी थी दोस्तों वो 8,000 थी। और समझ सकते हैं 8,000 में लोग क्या क्या कर सकते हैं, अपने हम लोग तीन को परिवार में ही रोजी रोटी भर सीमित थे। और इस बार जब लॉकडाउन लगी नाइट कर्फ्यू वाला तब हम घर आए और जा करके दोबारा हम नहीं जा पाए काम पे, तो हमें बहुत दुख हुआ। और जब हम पूरी तरह से टूट गए थे दोस्तों उस समय मतलब मेरा हाथ पकड़ने वाले सुनील भाई थे और हमें यूट्यूब की प्रेरणा हमें सुनील भाई दिए। और दोस्तों जैसे कि हर किन्हीं के गुरु होते हैं, तो यूट्यूब के मेरे गुरु सुनील भाई हैं, उन्हीं के मतलब वही मेरे को यूट्यूब के एसईओ के बारे में टाइटल टैग डिस मतलब जितने भी होते हैं ना यूट्यूब के नॉलेज वो मेरे को सुनील भाई दिए हैं, सब चीज़ हमें गाइड किए, देन अच्छे से फ़ोन करके समझा रहे थे इसे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल मतलब जितने भी होते सब वही दिए दोस्तों, हमें वही नॉलेज दिए यूट्यूब का। और आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार की वजह से आज हमारे हाथों में सेकेंड पेमेंट भी रिसीव हुआ, आ गए हैं, क्योंकि हमें बहुत अंदर से खुशी मिल रही है दोस्तों कि हमारे हाथों में सेकेंड पेमेंट आ गए हैं। और दोस्तों सुनील भाई का बात किया जाए तो उन्हें को यूट्यूब के बारे में बहुत नॉलेज है, वो आज 3 साल से यूट्यूब में काम किए हैं। और ये जो इससे पहले मेरा भी एक चैनल था उस मतलब वो चैनल भी मतलब हम 1 महीना के अंदर में जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का वो सारा कर लिए थे, उन्हीं का मतलब सीख था और ये चैनल में भी उन्हीं का सीख है दोस्तों। इसमें तो वो डायरेक्ट मेरे को हाथ पकड़े और उसमें तो जैसे होता है ना वो मेरे को बस नॉलेज दे रहे थे और वो भी 1 महीने के अंदर में जो क्राइटेरिया होते हैं 4,000 घंटा वॉच टाइम 1,000 सब्सक्राइबर वो पूरे मतलब कि होने वाले थे, बस थोड़े से बाकी थे वो पूरा हो गए थे। तो आप सभी लोगों में यही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं आप लोग तो आप लोग भी थोड़ा सीख लीजिए और YouTube बनाइए YouTube पे वीडियो, ताकि अच्छा रहेंगे, बिन सीखे तो कुछ होता नहीं है दोस्तों।
और थोड़ा सा हम इतना ही कहेंगे कि थोड़ा सा दिक्कत होती है, परेशानियां आती है, क्योंकि हम लोग को भी लोग मतलब कहते हैं, आलोचना करते हैं, तो इस सब बातों को नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे ही, तो इस सब का नज़रअंदाज करते हुए आप लोग अपना काम करिए, वीडियो बनाइए, आप लोग भी ज़रूर सफलता मिलेगी आप सभी लोगों को। और हम सुनील भाई का मतलब चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग जाके चेकआउट कीजिए, उनको भी आशीर्वाद प्यार दीजिए, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमें भी आशीर्वाद प्यार ऐसे ही देते रहेंगे विलेज क्यूट कपल को। और आप सभी लोगों को मतलब जितने भी हमारे सब्सक्राइब रूपी भगवान है, सभी को कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ, और सुनील भाई को भी मैं मतलब क्या कहता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक गुरु हैं, वो एक मेरे मित्र है, लेकिन गुरु का दर्जा मैं दिया हूँ और हमेशा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियाँ बांटे, बाय बाय दोस्तों।